भाई स्कैम हो रखा है यार, बागा बीच पे पूरा स्कैम है भाई। उठ जाओ भाई, सुबह हो गई, ये वाला फाइनल कर दो। ये लो 50 रुपए, फोटो सेट कर लेना, 100 हो जाएंगे। भाई प्रपोज हो गया भाई, कांग्रेचुलेशन। बस कर जा भाई, अब क्या नांग मड़ी लेके मानेगा उसकी। हेलो जी, हेलो, वेलकम आपका एक और नया व्लॉग वीडियो में। तो भाइयों, सीन ऐसा है कि इस वक्त मैं हूँ गोवा एयरपोर्ट पे और करने वालों अपनी जिंदगी का पहला गोवा ट्रिप। गोवा की मौज मस्ती, धमाल और हसीन नजारे देखने से पहले हम लोग जाते हैं होटल, चेंज करते हैं अपने कपड़े और फिर निकलते हैं गोवा घूमने। क्या हाल है भाई, कैसे हो? सब बढ़िया। आज गोवा में? जी भाई, गोवा घूमने आऊँ पहली बार। कैसे हो आप भाई? ये क्या है? ये वेडिंग का चल रहा है। किसकी शादी? आपकी? अरे कांग्रेचुलेशन। तो भाई उसी के साथ पहुंच चुका है कैलंगुट, जहाँ पे हमारा है होटल। भाई मैंने सही बोला ना, कैलंगुट? कैलंगुट, ठीक है, कैलंगुट। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना प्रोफेशनल। अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल, आप बस साथ चलो। कौन सा फ्लोर है? सेकंड। अरे भाई साहब, भाई ये तो बहुत बड़ी लिफ्ट है। छोटी लिफ्ट होने का फायदा भी है, बंदा गिरेगा ही नहीं ना, पैर फिसला तो खड़ा ही रहेगा। आ जाओ, कहाँ पे जाना है भाई? यहाँ से लेफ्ट, जगह ही नहीं है यहाँ तो। थैंक यू सो मच, वेलकम। अरे भाई पंखा पहले ही चल रहा है, बस मेरे घर वाले ना देख लें, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया कि खाली रूम में पंखा चल रहा है, मेरी सुताई करेंगे भाई। भाई क्या दिखा रहे? अरे भाई वो ये मेरे कमरे के सामने पूल है। अरे भाई साहब, ओ बेटे, वाह भी वाह। यही वो जगह है ना जहाँ पे ऐसे करके लेटते हैं। मेरा पहली बार है गोवा तो मैंने ये सब करा नहीं, अब करूंगा। बढ़िया भाई, नाइस। सही है, पानी गीला है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। चाबी कहाँ पे होगा ये बताओ। अच्छा ये रहा, ठीक है, देख लो एक बार, हाथ पोछ रहा है? हाँ पोछ रहा है, ओके। पता चला मैं कुटता रह गया। थैंक यू सो मच, एक सेल्फी ले लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ। इसी के साथ आ चुके अपने रूम पे। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से नहा लेता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं घूमने। तो भाइयों नहा धो के हो चुके हैं, राजा बाबू तैयार। अब मिलाते हैं आपको अपने दोस्त से, जिसके साथ हम घूमेंगे गोवा। मीट माय फ्रेंड। भाई वैसे अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बागा बीच। तो चलो फिर चलते हैं बागा बीच। भाई कैसा हाथी की सूंड वाला पेड़ है भाई, ये देखो टेक्नोलॉजी, पानी ठंडा रहे इसलिए टंकी ही जमीन में है। तो भाई उसी के साथ हम लोग आ चुके हैं बागा बीच। भाई स्कैम हो रखा है यार, बागा बीच पे पूरा स्कैम है भाई। बागा बीच नाम है और बागा ही नहीं है। भाई उठ जाओ भाई, सुबह हो गई। तो भाइयों गोवा और मुंबई, इन दोनों में ज्यादा फर्क है ही नहीं। मुंबई के अंदर भी पानी नमकीन था, यहाँ पे भी नमकीन ही है। हेलो जलपरी। तो भाइयों बागा बीच पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको काफी अलग अलग टाइप के झंडे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रेड वाला है, वो येलो रेड है, ऐसे दो तीन और है चेस वाले, तो इनके मीनिंग है। रेड वाला मतलब डेंजर, इसके आगे मत जाओ, गड्ढा है। अब ये एक झंडा है लाल पीला हो रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे तैर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑल सेफ। ये जो झंडा है चेस वाला, इसका मतलब है कि यहाँ से होंगी एक्टिविटी, यहाँ करो बड़ी एक्टिविटी, मजे मारो। भाई ये कौन सी वाटर एक्टिविटी है? ये थोड़ी अजीब सी लगी है वाटर एक्टिविटी। भाई इसमें जो पुलिस है भाई, वो जो लाल गाड़ी में थी वो कोई वाटर एक्टिविटी नहीं है, उसके अंदर पुलिस होती है जो देती है चेतावनी कि समुद्र के अंदर ज्यादा डीप मत जाओ, क्योंकि अगर आपकी जान को कुछ हो गया तो आए तो फ्लाइट से हो, जाओगे लोटे में। भाई मानो ना मानो, लेकिन मजा तो बहुत। ये देख लो, ये इनकी आज की खत्म नहीं हो रही। मान जाओ, क्या नाम है इस लड़की का? SHAW, पता नहीं क्या लिखा है, नाम लिखा है तो ढंग का लिखने की पढ़ा भी जाए। ये राजेश पक्का यूपी का है, कन्फर्म्ड, इसका आधार कार्ड निकलवा लो, पक्का यूपी का है। ओ भाई यस, क्या हो गया भाई? भाई मजा आ गया। क्यों भाई? चप्पल पाई, एक पैर की क्या है? मैं ऐसे चल लूंगा यार। एक्सक्यूज मी कबूतर जी, देखो दारू नहीं पीनी बीच पे, ठीक है, पहली बता दूं, फिर लोग यहाँ पड़े रहते हैं, गिरे रहते हैं। देख लो भाई डस्टबिन को दारू पी के पड़ा है। अरे मैं आपका फ्रेंड हूँ यार, मैं घर पे देखते हैं सब लोग। तो भाई वो बागा बीच पे उड़ता रेट और नमकीन पानी चखने के बाद अब चलते हैं कुछ खाने। भाइयों अभी अभी बहुत चक्का हो गया मैं। भाई तुम यकीन नहीं करोगे मेरे को क्या बात पता चली है। ये देख रहे हो नारियल, इसको पी ही नहीं सकते, जो ये नारियल है इनको पी सकते हो, लेकिन जो वो नारियल है वो गोवा के है ही नहीं। वो नारियल कहाँ से है? केरला से। अरे भाई मैं अब तक भ्रम में जी रहा था, फाइनली वो चीज मिल चुकी है जिसकी बहुत जरूरत थी, मेरे प्यारा चश्मा। भाई ये वाला फाइनल कर दो, इसको पैक कर दो, पैसे वैसे मत बताओ, पैसों की दिक्कत नहीं, आप फाइनल कर दो इसको, 100 रुपए की क्या दिक्कत, चुरा लेंगे। ये लो भैया, ये लो 50 रुपए, फोटो सेट कर लेना, 100 हो जाएंगे। मैंने तो इतना बढ़िया आइडिया दिया है, आप 4 बार फोटो स्टेट करते, मेरे को पता थोड़ी चलती, 200 हो जाते आपके। क्या यार भलाई का जमाने ही नहीं है यार। ये लो, ओके जी, थैंक यू जी। भाई इधर आओ, ये किसका आपने पेशाब रखा है? अबे साले, तो आंखों का कच्चा पहनने के बाद अब बागा बीच से हम लोग निकल के जा रहे हैं कैलंगुट। तो भाई उसी के साथ पहुंच चुके हैं कैलंगुट, अरे क्या बोलते हैं इसे, कैलंगुट, कैलंगुट बीच। अगर आपको सिर्फ एक दिन में करोड़पति बनना है तो भाई एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान बता रहा हूं, ये आप कर लो, एक दिन में करोड़पति एकदम तैयार। आप लोगों को बस आई लव गोवा वाली टी शर्ट बेचनी है, एक दिन में करोड़ पति, मस्त प्लान है। कसम से बता रहा हूँ, किसी को भी रैंडमली बीच पे पत्थर फेंक के मारो, आई लव गोवा टी शर्ट पहनने वाले बंदे पे ही लगेगा पत्थर। ये क्या हो रहा है भाई? कैमरा बंद कर दे।
भाइयों इस बीच का तो माहौल ही अलग है। यहाँ पे खाली दो तरीके के लोग हैं, या तो आपको मिलेंगे आवारा या फिर वो जिनके हाथों में चूड़ा है। हनीमून ही हनीमून, इतनी शादी कब हुई लोगों की यार? ये क्या कर रहे हो आप? बोरिंग डाल रहे हो? बोरिंग का पानी निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। वो कहे चूड़ा कहे? आप हनीमून के लिए नहीं आए तो मतलब आप आवारा हो। देखा ये देखो भाइयों एक और चूड़ा। भाई असली मजे बीच के तो ये ले रहा है। कैसे पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया मेरा बाबू। तो अब हो चुकी है बीच पे रात और अब जो माहौल है इतना जगमग, इतनी रोशनी, क्या बात है। सर्कस का शेर देखना है पर तू थोड़ा सा बहन। भाइयों अभी आप लोगों को मैं प्रॉपर नाइट लाइफ गोवा की नहीं दिखा रहा इस व्लॉग में, क्योंकि वो हमारा कल का प्लान है। कल हम करेंगे नाइट लाइफ एक्सप्लोर गोवा के अंदर, जो यहाँ पे फेमस टीटोज लेन है उसको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो नाइट लाइफ करेंगे कल, क्योंकि मैंने यहाँ पे गोवा जो सरकार है उससे मैंने फोन पे बात करी थी, तो उन लोगों ने मेरे को बताया था कि ऐसा नहीं है कि खाली आज ही रात हो रही है, यहाँ पे कल भी रात होगी, तो हमारे पास ऑप्शन है कल एक्सप्लोर करने का। मेरा आज पहला दिन है गोवा में, मेरे को बताओ मेरे को क्या करना चाहिए गोवा में? एंजॉय करना चाहिए सर। जो एंजॉय कैसे एंजॉय? तो बहुत कुछ होता है, पानी के साथ होता है, लड़की के साथ। कौन सा एंजॉय? लड़की के साथ नहीं, लड़की के साथ नहीं करूँ एंजॉय? ये क्या बात हुई? वाटर स्पोर्ट हो गया। वाटर स्पोर्ट आप कह रहे हो? तो समुद्र में क्रिकेट स्पोर्ट है, पैरासीलिंग, जस्की, स्पीड बोट। अच्छा ये सब स्कूबा डाइविंग। तो अपने को पानी के अंदर जाना है? ऑक्सीजन दे लेके जाएंगे, अंदर छोड़ देंगे। ऑक्सीजन दोगे? ऑक्सीजन माउथ टू माउथ? मैं क्यों लूंगा माउथ टू माउथ तुमसे? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ओके जी, टाटा जी, जय महाकाल। काजू 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 काजू, ये देखो यहाँ काजू, यहाँ काजू, काजू 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 काजू। भैया मेरा एक सवाल है, यहाँ पे गोवा में इतना काजू क्यों है? यहाँ पे काजू होता है। अच्छा तभी यहाँ पे इतना काजू है। कैसे हो आप? तो कब से आप हो गोवा में? सितंबर से। अरे बॉस मेरा आज पहला दिन है गोवा में। और पता है जब मैं घर से निकला ना, मेरे दादाजी ने एक बात बोली थी निकलने से पहले। मैंने आपके वीडियोस बहुत देखे। थैंक यू सो मच। मैंने भी आपको बहुत देखा है, आप वही हो ना धूम के उड़े चोपड़ा। इतने झूठ मारूंगा। तो भाइयों कलकत्ता बीच से, सॉरी क्या नाम है उसका, कलंगूट। तो भाइयों कलंगूट बीच से निकल के अब हम लोग आ चुके हैं कैंडोलिम बीच पे। क्या करेंगे अब? डिनर। अगर आप लोगों की गर्लफ्रेंड है, मैंने जान के पहले अगर लगा दिया, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो मुझे लगता है कि आपके पास बंदीबाजी का टाइम तो होगा नहीं, तो आप सिंगल ही होंगे। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसे करना चाहते हो प्रपोज, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप उसे महंगा प्रपोज कर सकते हैं, प्रॉपर एकदम बढ़िया सेक्सी कैंडल लाइट डिनर करके, लड़की खुश। ये क्या ले आए? ये तो हमने मंगवाया भी नहीं था, हमने तो लौकी के कोफ्ते बोले थे, यहाँ लौकी के कोफ्ते नहीं मिलते। भाई प्रपोज हो गया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। बस कर जा भाई, अब क्या नांग बड़ी लेके मानेगा उसकी। तो भाइयों खाना पीना हो चुका है, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं आप खत्म। अब जो आगे ब्लॉग आएंगे उसके अंदर तो बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि पानी के बीच, शिप के अंदर, कैसीनो, गोवा की नाइट लाइफ और क्लबिंग, काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज। और हेलो क्या कह रहे हो, रशियन बीच भी जाएंगे? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो करते हैं इस व्लॉग को खत्म, जाते हैं वीडियो को लाइक कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट नीचे लिख देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय। 5 6 5 6 7 8 जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा, जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा।